तो भगवान श्री राम की लीला हो रही थी कि अयोध्या से किस प्रकार निकल रहे हैं। सीता जी से वे भेंट किए, सीता जी को उन्होंने अनुमति दिया, ठीक है तुम चलो वन में, चिंता मत करो। इसके बाद लक्ष्मण जी दौड़े हुए आए, सुनकर के बहुत व्याकुल थे। भगवान ने उनको भी कहा ठीक है, पहले तो शिक्षा दिया, मैं भगवान को चित्रकूट में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए ये सब बातें बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि भैया भैया तुम यहीं रुको, मेरी माताएं बहुत दुखी हैं, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, भरत और शत्रुघ्न भी गांव पर नहीं है, तो तुम रहो करो सब कर परितेश परितोष नातर तात हो ही बड़ दोष, तुम रहो अयोध्या में और सबको शांति दो परितोष दो। यहां तक भगवान कहते अन्यथा विपक्ष में बहुत दोष लगेगा, अगर तुम नहीं करते हो ऐसा, मेरे साथ चले जाते हो अयोध्या तो अरे वन में चले जाते हो तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर नीति कहा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख भोगती है वह राजा निश्चित मरने के बाद नरक में जाता है, निश्चित अवश्य शब्द भगवान कह रहे हैं। इस समय के जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी सुंदर गाड़ियों से घूम रहे हैं, विमान से घूम रहे हैं, इसके बाद जमराज के दूत उनकी जो मरम्मत करेंगे, उस समय यही मनाएंगे बल्कि मैं क्यों इस पद पर था, भगवान का भजन किया होता सुख से रहा होता तो आज नरक नहीं देखना पड़ा होता। नरक में कितनी दुख की व्यवस्था की गई है ये श्रीमद् भागवतम में पढ़ करके देख लेना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा दुख लिखा गया। उसमें एक लिखा गया पाप करने वालों को किस पाप के कारण किस नरक में गिरना पड़ता है। एक नरक है जिसको अयस्पान नरक कहते हैं, अयस्पान, अयस का अर्थ होता है लोहा, कच्चा लोहा, पान मन पीना। एक ऐसा नरक है जहां पर लाखों भट्टियां लगाई गई हैं लोहा को गर्म करके द्रवीभूत करने के लिए, एक यहाँ टाटा बोकारो क्या है, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों फैक्ट्री वहां है, मतलब लोहा को गर्म करने के लिए, तो लोहा तरल बन जाता है और उन लोग उन पापियों को उस नरक में ले जाकर को लोहा पिलाया जाता है जो यहाँ शराब पीते हैं, केवल शराब पीने वालों को दंड दिया जाता है, संतोष नहीं होता है पानी पीकर दूध पीकर के। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीना चालू करते हैं, यहां तो शराब पी करके थोड़े काल तक आनंद आ रहा है, जिस दिन तरल लोहा पीना पड़ेगा तो क्या हो, और मरेंगे नहीं, वो जम यातना शरीर होता है, यातना शरीर में कितना भी कष्ट हो प्राण नहीं निकलता है, कष्ट सौ गुना अनुभव किया जाता है। मरने के बाद एक यातना शरीर दिया जाता है जीवात्मा को, उसमें दुख की अनुभूति सौ गुना होती है उस शरीर में। यहां एक तमाचा मारने पर जितना दुख होगा तो उस शरीर पर सौ गुण, सौ तमाचा मारने इतना दुख होगा एक तमाचा में। वो दुख का अनुभव करने के लिए ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, उसको यातना शरीर कहते हैं। शरीर मरता नहीं है, जीवित रहता है लेकिन खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, दुखी होता है, एक दिन नरक में ये दुख भोगना पड़ता है। बताया गया है शराब पीने वालों को दुख, और सरकारी आदमियों के लिए एक रिजर्व स्पेशल नरक है भागवत में, उसको भी लिखा गया है। क्या नरक है जानते हैं? सूकर मुख नरक एक है, उसमें गन्ना जैसे पेरे जाते थे पहले के कल्हुआड़ को आपने देखा होगा, कोल्हू, कई गन्ने एक साथ पकड़ा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार करोड़ों मशीनें हैं वहां और
जो लोग जनता को सताते हैं उन लोगों को ले जाकर वहां ईख की तरह पेड़ आ जाता है और चेफुआ बन करके निकलते हैं, फिर ठीक होकर के फिर पेड़ आ जाता है, इस तरह से पेड़ आ जाते हैं। ये कोई हम लोगों की रचना नहीं है भागवतम, ये बहुत काल से है और भगवान वेदव्यास देव की रचना है। ये बताते हैं सरकारी आदमी सब उसमें जाते हैं यदि पाप करते हैं तो, और पुण्य करें तब तो स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य का फल अद्भुत होता है, यहाँ की कमाई के अनुसार ही जाना होगा। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करने वाले को वहां तप्त सुरमी नरक में ले जाते हैं, जहां लोहे की मूर्तियां बनाई रहती हैं और उनको हीट दे करके लाल किया रहता है, कनेक्शन जोड़कर बिजली का, चाहे जैसे लाल मूर्ति स्त्री की और लाल मूर्ति पुरुष की, तो जहां व्यभिचार करते हैं विवाह के अतिरिक्त संबंध करते हैं उनको, वहां अगर पुरुष ने नियम तोड़ा है तो उसको लोहे की लाल स्त्री से आलिंगन कराया जाता है, और जमराज के दूत पीछे से उसको मारते हैं बुलेट जूता पहन करके पीछे से, और आगे ऐसा भांत बंधा रहता है, एक दूसरा दूत खींचता है चलो चलो आलिंगन करो एंजॉय करो, और उससे आलिंगित होकर के और जलता रहता है लाखों वर्ष तक इस तरह। ये सब सजा है, बुद्धिमान आदमी इन सब बातों को समझ करके पाप से परहेज करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो तो कह देते स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये कहाँ होता है, बस अपनी समझ को ही सब कुछ समझता है। तुम नरक कौन देखा है, नहीं देखे होते इससे क्या, तुम देखोगे उसी को सत्य माना जाएगा, कौन देखा है, बहुत लोग देखे हैं, देखना पड़ता है, और स्वर्ग भी देख करके कई लोग आते रहते हैं। महाराज परीक्षित के समय तक देवता लोग यहां आते रहते थे तो पता लगता था है, लेकिन आज भी वो है भले पता न चले, वो सत्य है, इस बात की मैं यहां व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों को विशेष सावधान होना चाहिए, वास्तव में विशेष सावधान होना चाहिए। भगवान ने एक अवसर दिया है, एक चांस दिया है कि जनता की सेवा कर लो, और प्रकट भी देखा जाए तो देश में या राज्य में सब जगह सेवा की ही बात की जाती है, अमुक सेवा आयोग, ये सेवा आयोग, यह सेवा आयोग, सेवा करने का एक चांस दिया गया है, सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम के विषय में जरा ध्यान दीजिए, अपने भाई से क्या कह रहे हैं, तुम रहो और ठीक से प्रजा की देखभाल करो, अन्यथा अगर प्रजा दुखी होगी तो राजा को नरक में गिरना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकार, ये भगवान का उद्गार है।